जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 की भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसको शुरू कर रहे हैं। आज की इस क्लास में आप मानव भूगोल के अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रकृति को अच्छे से जानेंगे। आज से हम सिलेबस को आगे रेगुलर बढ़ाते रहेंगे और जो बच्चे एडवांस में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के ऊपर आपको ज्योग्राफी के सभी चैप्टर के वीडियो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप अपनी एडवांस में तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कक्षा 11 में आपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, आपने जाना है भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया। जियो प्लस ग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन है ये। आपको पता है भूगोल एक समाकलात्मक, एक आनुभाविक और एक व्यवहारिक विषय है, यानी एक इंटीग्रेटेड है, इंपेरिकल है और बिहेवियर यानी व्यवहारिक विषय है, यानी इसके अंदर बहुत सी चीजें आपस के अंदर जुड़ी हुई हैं और जिसमें स्थान और समय के संदर्भ में घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। और एक सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के रूप में भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है या सरोकार है वो है भी पृथ्वी को मानव का घर माना गया है, भी ये पृथ्वी है, ये मानव का घर है और इसमें उन सभी एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, यानी मानव को पालने वाली हर चीज का अध्ययन है वो इस ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे भी भूगोल के अंदर प्रकृति यानी नेचर यानी पर्यावरण का और मानव के अध्ययन के ऊपर जोर है वो दिया जाता है। तो इस आधार के ऊपर भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हो जाती है, एक है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपने कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ा है और प्लस 2 में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर इसी मानव भूगोल को अच्छे से समझाया गया है, उसके बाद में दूसरे चैप्टर से आगे जो टॉपिक वाइज है वो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पीछे की बात को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि सारी कहानी है वो आपके क्लियर हो जाए। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में क्या होता है कि प्रकृति द्वारा जो निर्मित भूदृश्य होते हैं अर्थात इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की बात करें तो इसमें मानव द्वारा जो निर्मित भूदृश्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है अर्थात सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यहां फिजिकल ज्योग्राफी में जो नेचर में है उसका अध्ययन, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो मैन मेड है, जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए जो चीजें बना ली है उनका अध्ययन किया जाता है। अगर आप चाहें तो जो भी भूदृश्य है चाहे वो फिजिकल है चाहे ह्यूमन मेड है, तो इन भूदृश्यों को अगर आप अलग अलग करना चाहें तो कोई कठिन काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति क्या है? वनस्पति एक भौतिक पर्यावरण है यानी एक भौतिक भूदृश्य है। आप इस वनस्पति के अंदर कुछ चीजें छांट ले, कोई एक विशेष प्रकार के पौधे छांट ले मानव अपनी इच्छा से, तो वो जो काम है वो क्या कहलाएगा यानी वो खेती करना कहलाएगा। जैसे एक स्पेशल पौधे छांट लिए, गेहूं के पौधे छांट कर एक स्पेशल जगह उसने गेहूं ही गेहूं के पौधे लगा दिए तो हम कहेंगे भी वो गेहूं का खेत तैयार हो गया। चावल के पौधे अलग करके लगा लिए एक जगह ज्यादा तो वो चावल का खेत हो गया, गन्ने को लगा लिया तो गन्ने का खेत हो गया। तो वो खेती करना, वो गेहूं का खेत, वो चावल का खेत, वो गन्ने का खेत, वो क्या हो गया? वो मानव भूदृश्य हो गया। वनस्पति भौतिक भूदृश्य और खेत जो बना लिए, जो खेती कर रहा है वो मानव भूदृश्य हो गए।
इसी प्रकार नदी की बात करें तो नदी एक भौतिक भूदृश्य है, जबकि नदी के ऊपर बांध बनाकर अगर हम उससे नहर निकाल लेते हैं तो वो बांध बनाना, नहर निकालना, वो क्या हो जाएंगे, वो मानव भूदृश्य हो जाएगा। इसी प्रकार जंगली जानवरों की बात करें, जंगल में रहते हैं भाई, तो वो भौतिक भूदृश्य हो गया। और उन जंगली जानवरों में से कुछ विशेष जानवरों को हम पालतू बनाकर उनसे हम खेती कर ले, दूध प्राप्त कर ले, ऊन प्राप्त कर ले, मांस प्राप्त कर ले, तो मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें पालतू बना रहा है, तो पालतू पशु क्या हो गया, मानव भूदृश्य हो गया। तो समझ गए ना, भी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या हुआ। एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, भूगोल में बार बार जिक्र आएगा सांस्कृतिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक, ये शब्द आएगा। इसका सीधा सा मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित जो चीजें हैं वो सारी सांस्कृतिक है, और मानव आपस में किस प्रकार से समूह में रहता है तो वो सामाजिकता की बात आ जाती है। तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की बात है वो की जाती है। तो समझ गए आप इस कंसेप्ट को। अब हम क्योंकि 12वीं के अंदर अपनी स्टार्टिंग मानव भूगोल से है, तो पहले तो हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इस प्रकार से संबंध को समझ रहे हैं। भी हमने एक बात आपको क्लियर की है, भी प्रकृति और मानव दोनों का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। हम कहें भी मानव भूगोल अलग अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग करके पढ़ाते हैं, वरना दोनों ही आपस में अंतर संबंधित है, इंटीग्रेटेड है, अलग नहीं है। ये बात आपके क्लियर हो रही होगी। उसके अलावा अब बात जाने मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि बोर्ड परीक्षा में भी आपसे पूछी जाती है। भी जैसे इंपॉर्टेंट जो दो परिभाषाएं हैं उनकी बात करें, एक तो है रेटजेल, जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया उसकी बात कर ले, तो रेटजेल साहब ने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव संसाधनों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। गौर कीजिएगा, परिभाषा आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मानव भूगोल मानव समाज यानी इंसान मानव की बात हो रही है, मानव समाज और धरातल यानी पृथ्वी की यानी भौतिक पर्यावरण की बात हो रही है, तो मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेटजेल की ये परिभाषा किसके ऊपर फोकस कर रही है, संश्लेषण के ऊपर है, वो ज्यादा फोकस कर रही है, अर्थात इंसान जो नया बनाता है उसकी बात हो रही है। तो अच्छे से इस परिभाषा को तैयार करना है। दूसरी अपने रेटजेल के ही की शिष्या रही है अमेरिका की एलन सी सैंपल की बात आती है, उन्होंने मानव भूगोल को लेकर क्या कहा है ये भी आप देख लीजिए, कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी अस्थिर, स्थिर नहीं है पृथ्वी, क्रियाशील है वो भी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। गौर कीजिएगा परिभाषा के ऊपर, भी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील यानी चंचल, मानव एक्टिव होता है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील अर्थात गतिशीलता की बात है, उनका अध्ययन है। भी इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार रोज चीजों के अंदर चेंज है वो लाता रहता है, इस चीज का अध्ययन है। इसके अलावा आप विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा भी देखेंगे, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस के अंदर तीन भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा दी गई है, तो दो की आप आज अच्छे से तैयार है वो परिभाषा कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भी आगे की कहानी क्या है। अभी तो हमने इसका अर्थ और इसकी सामान्य जानकारी है वो प्राप्त कर ली। अभी अभी हमने क्या देखा, भी वनस्पति, नदी, जंगली जानवर, इनको मानव ने अपने हिसाब से सेट कर लिया, अपने हिसाब से। तो ये क्या चीज है, ये किसकी सहायता से, अपने दिमाग से, इंसान ने अपने दिमाग से ये काम किया है। दिमाग अर्थात टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी की सहायता से ही, टेक्नोलॉजी की सहायता से ही इंसान ने अपने संज्ञान की सहायता से ये चीज किया है।
तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी है ये सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। हमने कहा ना मानव निर्मित जो भूदृश्य है वो सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो कल्चरल डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है वो कौन है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, प्रौद्योगिकी है। इसके लिए इंसान क्या करता है, इसके लिए इंसान पहले प्रकृति के नियम जानता है। तो ये जो नेचर है इस नेचर के रूल्स को समझता है, ये क्या कुछ करने की हमें छूट दे सकती है। तो इस प्रकृति के नियमों को समझकर मानव अपने हिसाब से प्रौद्योगिकी की सहायता से ये डेवलपमेंट है वो करता है। जैसे बात करें एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इंसान को घर्षण है, फ्रिक्शन है, ऊष्मा है, जब इसके नियमों की जानकारी हुई तो उसने किसका विकास कर लिया, उसने अग्नि का आविष्कार कर लिया। इसी प्रकार जब इंसान ने प्रकृति के जो रूल्स थे उसके अंदर वायु गति के नियमों को जान लिया तो उसने वायुयान का आविष्कार है वो कर लिया। इसी प्रकार उसने डीएनए जेनेटिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जो कि विभिन्न बीमारियों के इलाज में सहायक है वो हो पाई। इसी प्रकार इंसान ने जब इंसान को गर्मी लगी तो उसे जरूरत महसूस हुई तो उसने फैन बनाया, पंखा बनाया, फिर और उसने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार किया, कूलर बनाई, फिर एसी बनाई। आज आप देख रहे हो दिनों दिन कुछ न कुछ नया नई टेक्निक के साथ हमें मिलता है। सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर है वो बना लिए। तो इस प्रकार इंसान है वो टेक्नोलॉजी की सहायता से या अपने दिमाग की सहायता से प्रोग्रेस करता जा रहा है, जो कि हमारे सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है ये टेक्नोलॉजी। तो समझ गए किस प्रकार इंसान ने सांस्कृतिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सब कुछ है वो किया है। अब समझते हैं कहानी को भी, जो मानव भूगोल है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए मानव भूगोल के नेचर की अगर बात करें तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, केंद्र बिंदु क्या होगा, वो होगा इंसान के क्रियाकलाप, यानी मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं, जो काम है, वो ही मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसके बाद बात करें जो मानव भूगोल है वो इस भौतिक पर्यावरण और जो मानव जनित जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है इनके अंतर संबंधों का अध्ययन है, वो इनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। किस प्रकार से हो रहा है ये सारी कहानी हमने यहां पर जान ली है। अब प्रकृति के अंदर बात करें तो दो महत्वपूर्ण बात आती है, एक होता है मानव का प्राकृतिकरण, तो दूसरा पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण। तो मानव भूगोल के नेचर को जानने के लिए हमने यहां दो चीज क्लियर कर दी आपको। आप समझिए भौतिक भूगोल यानी ये नेचर की बात है प्रकृति, और मानव भूगोल आप समझिए एक बात इंसान की बात हो रही है, ठीक है। तो एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ मानव है। अब मानव है वो अपने सारे काम अगर प्रकृति के अनुसार करता है, जैसा नेचर उसको कहती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित कर लेता है, तो वो कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण, यानी इंसान प्रकृति की तरह ही जैसा उसको कहती है वैसा ही रहता है। अर्थात मानव का प्राकृतिकरण के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है भी जो इंसान है वो प्रकृति का दास है, जैसा उसको प्रकृति कहेगी वैसा करेगा, और उसने इस भौतिक पर्यावरण को प्रकृति को माता तुल्य माना है और उसकी पूजा करता है। प्राचीन समय में यही चीज प्रधान है वो रही है। ये मानव का प्राकृतिकरण ये बात क्लियर होना जरूरी है, इस चैप्टर की जान है ये चीजें भी। मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन कर लेता है, वो मानव का प्राकृतिकरण है, और ये एक विचारधारा बन गई मानव भूगोल की, जिसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद।
मानव जो प्रकृति के अनुसार सारे काम करता है, तो ये किस प्रकार की विचारधारा हो गई? पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा कहलाती है। इसमें प्रकृति प्रधान है, इंसान वो कर रहा है जो उसको प्रकृति यानी नेचर उसको जो कहता है। अब समझिए दूसरे पॉइंट को, दोनों को तुलनात्मक समझिएगा, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रकृति का मानवीयकरण, अब यहां मानव का प्रकृतिकरण हुआ था, यहां कहानी बदल गई, प्रकृति का मानवीयकरण अर्थात मानव का प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। जब इंसान नेचर के सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है तो वो प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है। और ये एक मानव भूगोल की विचारधारा है पुरानी, जिसको कहा गया संभववाद। जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है तो वो प्रकृति का मानवीयकरण अर्थात संभववाद विचारधारा कहलाती है। और जब इंसान प्रकृति के अनुसार काम करता है तो वो विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे दोनों का, क्योंकि यहां प्रकृति का मानवीयकरण है। इसके अंदर एक चीज क्लियर हो जाती है, हमने यहां टेक्नोलॉजी की बात की, वापिस वहीं चलते हैं। नेचर क्या है? प्रकृति है, वो मानव को अवसर प्रदान करती है। प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है भी तू इसका उपयोग कर ले अपने हिसाब से। तो अर्थात मानव प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें संभावनाएं तलाशता है भी मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूं। और जब वो ये समझ जाता है अर्थात नेचर को अपने अनुसार ढाल लेता है तो वो प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है, जो मानव भूगोल की एक विचारधारा है जिसे संभववाद कहा जाता है। तो एक विचारधारा तो कहती है कि जैसा प्रकृति कहेगी हम वैसा करेंगे, यानी प्रकृति के अनुसार इंसान अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। और यहां क्या है, यहां बात आ रही है भी प्रकृति को इंसान अपने हिसाब से ढालेगा अर्थात नेचर के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, रूपांतरण करेगा। यहां नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन हो रहा है, अनुकूलन, और यहां क्या हो रहा है, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो प्रकृति का मानवीयकरण एक मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, इंसान अपने लिए चेंज लाता है। यहां चेंज नहीं लाता, जैसा कह रहे हैं वैसा करता है। तभी तो पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही है वृक्षों को बचाने के लिए, जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं, खेजड़ी की पूजा करते हैं, तो वो क्या है, मानव का प्राकृतिकरण है। आज कोई नहीं कर रहा तो वो प्रकृति का मानवीयकरण, कोई भी चीजें अपने हिसाब से ढाल रहा है। तो समझिएगा क्या चीज, दो बड़ी विचारधारा पढ़ी है आज हमने, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। अब बात यह है, क्या ये दोनों अपने आप में पूर्ण है? क्या ये जो कह रही है वो सही है, ये जो कह रही है वो सही है? एक बात तो समझिएगा, इस चैप्टर में हम 6 विचारधारा पढ़ेंगे, कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं उनके। तो दो हमने पढ़ ली जो पुरानी है, 3 पुरानी है, 3 नई है, एक पुरानी और है जो कि इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। वो ये कहता है कि कुछ प्रकृति की सुनो और कुछ अपने चलाओ। एक तीसरी विचारधारा आई जो हम अगले वीडियो सेशन के अंदर उसको अच्छे से, यानी इनको, इन्हीं बात को, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद से आगे की बात को हम आगे बढ़ाएंगे और कंसेप्ट को और गहराई में लेकर जाएंगे। ये उम्मीद करूं आज ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर हम लास्ट में समअप करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको बताऊं, आप इस फर्स्ट बुक में क्या पढ़ रहे हो? मानव भूगोल का अर्थ पढ़ना है, अर्थात तो उसकी परिभाषा पढ़नी है, उसकी प्रकृति पढ़नी है और उसकी विचारधाराएं पढ़नी है। फिर कुछ क्षेत्रों और उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ना है और उसका विकास क्रम पढ़ना है। तो आज हमने जाना भी भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की जो चीजें हैं, यानी प्रकृति की जो चीजें हैं, इंसान ने प्रकृति के नियमों को समझकर
टेक्नोलॉजी की सहायता से वो अपने आप चेंज लाता है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि प्रकृति उस इंसान को अवसर प्रदान कर रही है, संभावनाएं दे रही है, तो वो उसको अपने अनुसार ढाल रहा है, अर्थात प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है। और यही विचारधारा मानव भूगोल में क्या कहलाती है, संभववाद कहलाती है। और अगर इंसान सिर्फ प्रकृति के अनुसार ही चल रहा है तो वो पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से विचारधारा है, वो जानी जाती है। आगे की बात अगले वीडियो सेशन में। एडवांस वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, 2022-23 के नाम से एक है ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स का, और या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पढ़ सकते हो। बाकी हम इन चैप्टर को कंटिन्यूस है वो पढ़ते रहेंगे, अभ्यास भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपको एक बात जाते जाते ये कहूँगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।